नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेंस म्यूचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। सपने आना सामान्य बात है, लेकिन ये सपने भविष्य में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं का इशारा दे जाते हैं। स्वप्न शास्त्र में सपनों के मतलब बताए गए हैं, साथ ही यह भी बताया गया है कि कौन से सपने शुभ होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही अशुभ सपनों के बारे में जानेंगे जिनका आना अच्छा नहीं माना जाता है। ये सपने जीवन में बुरे दिनों की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सपने आने पर सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये सपने में आप किसी काले सांप को खुद को काटते हुए डसते हुए देखा तो अच्छा नहीं है, यह तो बीमारी होने का संदेश है। ऐसा सपना यदि बार बार आए तो यह काल संत दोष होने का भी इशारा हो सकता है। सपने में खुद की उम्र बढ़ते हुए या कम होते हुए देखना अशुभ होता है। स्वप्न शास्त्र में खुद को बच्चा या बूढ़ा होते हुए देखना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह जीवन में किसी परेशानी के आने का इशारा करती है। यदि किसी विवाहित व्यक्ति को ऐसा सपना आए तो उसके दाम्पत्य जीवन में मुश्किल आने का इशारा हो सकता है। सपने में यदि आप खुद को अनाज को मिट्टी में मिलाते हुए देखें तो सतर्क हो जाएं। यह साफ तौर पर जीवन में कोई संकट आने का संकेत होता है। सपने में यदि आप खुद को ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखें तो ये किसी काम में नाकामी मिलने को नुकसान होने का इशारा देते हैं। यदि बार बार ऐसा सपना आए तो आपको आत्मविश्वास के कम होने और किसी डर से जीने का इशारा होता है। बेहतर होगा कि उस डर से आप लड़े और पार पाए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को मांस खाते हुए या बेचते हुए देखे तो उसे आने वाले समय में बड़ा नुकसान होने वाला होता है। अगर आपको भी आते हैं ऐसे सपने तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।